नवागढ़ के सैमरा गांव में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एडमिशन फीस को लेकर लापरवाही सामने आई है। इसी वजह से आक्रोशित छात्रों ने स्कूल का घेराव किया। दरअसल स्कूल में नवी से लेकर बारहवीं तक के छात्रों से 800 रुपए और लेट फीस के साथ 900 रुपए एडमिशन शुल्क लिया गया था, लेकिन कोरोना के कारण पिछले साल स्कूल नहीं खुल सके। तब राज्य सरकार ने एडमिशन शुल्क वापस करने के आदेश दिए थे, लेकिन जब छात्र फीस लेने प्रिंसिपल के पास पहुंचे तो उन्हें डांट फटकार कर वापस भेज दिया गया। इसी बात से गुस्साए बच्चों ने स्कूल का घेराव किया, साथ ही प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज कराने नवागढ़ थाने भी पहुंचे। छात्रों ने दो दिन के अंदर फीस वापस नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं BEO ने दो सदस्य जांच टीम स्कूल भेजी है, तब प्रिंसिपल स्कूल में मौजूद नहीं थे। अपने स्कूल में एडमिशन फीस 800 रुपीस दिए हुए थे और हम लोग जब मांगते थे, जैसे कि सभी लोग का नाम न्यूज में आया कि 800 रुपीस वापस किया जाएगा, क्योंकि जो स्कूल है वो तो चल नहीं रहा है और कोरोना वायरस की वजह से बंद है, तो सारा पैसा सबको वापस किया जा रहा था। तो हम लोग भी मांग किए कि हम लोग को भी चाहिए घर, आसपास के गवर्नमेंट स्कूल में सबको वापस मिल रहा था, तो हम लोग भी मांगे और बाकी सबको 800 रुपीज सबको वापस हो गया। और हम लोग जब मांगे तो उन्होंने बोला कि साहब सब मना कर दे कि हमको आप लोग को बिल्कुल नहीं देंगे करके। हमारे प्रिंसिपल सर जो है एडमिशन फीस के लिए 800 रुपए लिए थे और सरकार के नियम अनुसार उसे वापस करना था, लेकिन प्रिंसिपल सर वापस नहीं कर रहे थे और हम लोग बोले तो 400 रुपए दे रहे थे और बाकी पैसे नहीं दे रहे थे, इसलिए हम लोग BEO के पास गए और शिकायत किए। माध्यमिक विद्यालय सेमरा में फीस के संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में हम मैं और राजीव नारायण शर्मा BEO गए थे। वहाँ जाके बच्चों और शिक्षकों का बयान लिए हैं और प्राचार्य उपस्थित नहीं हो पाए थे, इसलिए उनका बयान अभी नहीं लिया गया है। जांच के बाद ही आगे कार्रवाई करेंगे। बच्चों लोग के बाद बताया गया है कि 800 रुपये लिया गया है एडमिशन शुल्क के रूप में और